आज के वीडियो का टॉपिक है डबल पोलम सीपी। आज हम जानेंगे कि डबल पोलम सीपी कैसे काम करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन हम जानेंगे पूरा 3D में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंगल पोल जो MCB होता है वो सिर्फ एक ही वायर में फेस या फिर न्यूट्रल दोनों में से किसी एक वायर को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन डबल पोल जो MCB है वो MCB क्या करेगा, फेस को भी प्रोटेक्ट करेगा और न्यूट्रल को भी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों में बेटर प्रोटेक्शन के लिए डबल पोल MCB यूज किया जाता है। डबल पोल MCB कुछ भी नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ दो सिंगल पोल MCB का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हम इसको खोलेंगे, डबल पोल MCB को खोल कर साइड बाई साइड हम रखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा सेम जो सिंगल पोल MCB जैसे काम करता है वैसे ही डबल पोल MCB भी काम करता है। इसका कंस्ट्रक्शन हम जान लेते हैं। पहले हम MCB के कुछ पार्ट्स के नाम जान लेते हैं, फिर हम आगे इसके कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये है एक्यूटेटर नॉब, इसके साथ आता है एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप, इसे कहते हैं हम सोलेनोइड, और यह एक्यूट चेंबर। सबका काम क्या है आगे हम देखेंगे। ऊपर लगा है बॉक्स टर्मिनल, ठीक है, उसके साथ यह है फिक्स कॉन्टैक्ट, यह है मूविंग कॉन्टैक्ट, कैसे काम करता है सब हम आगे देखेंगे, और यह नीचे वाला बॉक्स टर्मिनल। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर से करंट कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले बॉक्स टर्मिनल से जो कॉपर कॉयल है, कॉपर कॉयल कनेक्टेड है, कॉपर कॉयल से होकर जो फिक्स कॉन्टैक्ट है वहाँ पर जाता है। फिक्स कॉन्टैक्ट के बाद उससे मूविंग कॉन्टैक्ट में जाता है, उसके बाद जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है वहाँ पर से होकर नीचे वाला जो बॉक्स टर्मिनल है वहाँ पर से होकर बाहर निकल जाता है। अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जान लेते हैं। उससे पहले जो MCB है वो MCB हमें सिर्फ दो तरीके का प्रोटेक्शन देता है, एक होता है ओवरलोड कंडीशन, एक होता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन, दोनों कंडीशन में ये हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कैसे काम करता है। अभी जो MCB हो, अभी MCB क्लोज सर्किट है, ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉपर का जो कॉयल है, जैसे ही करंट इस कॉपर कॉयल के अंदर से जैसे ही करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर है वो पावर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो बहुत ही कम फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर को जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बहुत ही कमज़ोर बनेगा। ठीक है, अब जैसे ही इंस्टेंट जब शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट करंट नॉर्मल करंट से बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट करंट इस कॉपर कॉयल के अंदर से बहुत ज़्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसके अंदर का जो सोलेनोइड इसे नीचे खींचेगा। ठीक है, अब जैसे ही जोर से नीचे खींचेगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म है इसे आकर हिट करेगा। अब ये क्या करेगा, इस फिक्स जो कॉन्टैक्ट है उस फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ मूविंग कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा। अब जैसे ही ओपन कर देगा ये जो एक्यूटेटर नॉब है ये नीचे आ जाएगा। अब जैसे नीचे ही आएगा तो क्या होगा, ये जो MCB है बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ फिक्स कॉन्टैक्ट जैसे ही अलग होगा ना, ये क्या होगा, एक आर्क प्रोड्यूस होगा। अब उस आर्क को एक्सटिंग्यूश करना ज़रूरी है, नहीं तो आसपास का जो इक्विपमेंट है वो आर्क उस इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है, क्योंकि उस आर्क का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब उस आर्क को एक्सटिंग्यूश करने के लिए यहाँ पर जो आर्क चेंबर है उस चेंबर का यूज़ किया जाता है। अब इस आर्क चेंबर क्या करता है, इस आर्क की जो एनर्जी उसे डिवाइड कर देता है, बहुत सारे हिस्सों में इस आर्क की एनर्जी को डिवाइड कर देता है। अब जैसे ही आर्क की एनर्जी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है कि आर्क की एनर्जी ख़त्म हो जाता है और आर्क बुझ जाता है। तो यहाँ पर आर्क चेंबर का यूज़ इसीलिए किया जाता है और MCB शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ऐसे ही काम करता है। तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट कंडीशन में MCB कैसे काम करता है। अब आते हैं ओवरलोडिंग कंडीशन में MCB कैसे काम करता है। जैसे कि हम सभी को पता है ओवरलोडिंग कंडीशन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से कम लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा होता है। अब जैसे ही इस MCB के अंदर से एक कॉन्टिन्यूसली ओवरलोडिंग करंट फ्लो होता ही रहता है तो क्या होता है, ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है एक गर्म होता है। अब धीरे धीरे गर्म होते होते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड हो जाएगा ये क्या करेगा, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है इसे नीचे खींचेगा। अब जैसे ही नीचे खींचेगा तो क्या होगा, ये जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म है ये भी नीचे आएगा। अब जैसे ही ये ट्रिपिंग मैकेनिज्म नीचे आ जाएगा,
ये जो एक्यूटेटर नॉब है ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही बंद हो जाएगा तो क्या होगा, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट जैसे ही ये दोनों अलग होगा तो क्या होगा, इसके अंदर से और एक आर्क प्रोड्यूस होगा, जैसे शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमने देखा था वैसे ही और एक आर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। अब उस आर्क को डिवाइड कर देगा कौन, ये एक्यूटेटर चैम्बर, जैसे शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होता सेम वैसे ही आर्क को डिवाइड कर देगा, लेकिन यहाँ पर जो बायोमेटल स्ट्रिप है वो ओवरलोडिंग कंडीशन में बेंड हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वो बेंड नहीं होगा, ठीक है। और ओवरलोडिंग कंडीशन में यहाँ पर जो कॉपर कॉयल है उसके अंदर से भी उतना करंट फ्लो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उतना नहीं बनेगा कि वो जो सॉलिनॉइड है उसे नीचे खींचेगा, ठीक है। तो ओवरलोडिंग कंडीशन में बायोमेटलिक स्ट्रिप काम करता है और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो कॉपर कॉयल है वो कॉपर कॉयल काम करता है, सॉलिनॉइड को नीचे खींचता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन और ओवरलोडिंग कंडीशन में एमसीबी ऐसे ही काम करता है, दोनों डबल पोल एमसीबी भी सेम करता है और सिंगल पोल एमसीबी सेम ही काम करता है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, लेकिन डबल पोल एमसीबी में डबल प्रोटेक्शन हमें मिलता है, लेकिन सिंगल पोल एमसीबी में सिर्फ हमें एक ही प्रोटेक्शन मिलता है, या तो फेस या फिर न्यूट्रल। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा।